यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा रूम हीटर अच्छी तरीके से वर्क करने लगा है, इसके दोनों राड अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर बिल्कुल आसानी से रूम हीटर का राड चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, अमन इलेक्ट्रिक टेक में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे ही रहोगे दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में रूम हीटर रिपेयर करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास रूम हीटर आया है, इसका रिपेयर करना सीखेंगे दोस्तों। जिसका एक राड ख़राब है दोस्तों, दूसरा सही है, तो इसे रिपेयर करना सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके दोनों पेंच को हम साइड से खोलेंगे, खोलने के बाद में हम जाली को बाहर निकाल लेंगे। हमने जाली को निकाल लिया दोस्तों, अब इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें सीरीज टेस्टिंग लैंप की ज़रूरत होगी दोस्तों। तो हमने सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लिया है, अब इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा रॉड ख़राब है, ये दूसरा रॉड हमारा सही है दोस्तों। तो नीचे वाला रॉड हमारा ख़राब है दोस्तों और ऊपर वाला रॉड हमारा सही है दोस्तों। तो इसे चेंज करेंगे दोस्तों, तो हम इसमें नया रॉड लगाएंगे दोस्तों। तो नया रॉड ले लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने नया रॉड ले लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे लगाएंगे दोस्तों। तो लगाने से पहले हम इसे चेक करेंगे दोस्तों, सही है नहीं सही है दोस्तों। तो इसे सीरीज से हम चेक करेंगे पहले, तो इस तरीके से आपको रख लेना है और इसको सीरीज से चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पे हमारा रॉड सही है दोस्तों, सीरीज टेस्टिंग लैंप ग्लो कर रहा है दोस्तों, यानी कि हमारा रॉड सही है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास सीरीज टेस्टिंग लैंप नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल आसानी से 30 से 40 रुपए में आप घर पर बना सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे आप वीडियो देखकर बिल्कुल आसानी से वो भी कम दाम में आप बना सकते हैं घर पर। तो दोस्तों इसके रॉड चेंज करते हैं दोस्तों। तो पहले हमें पुराने रॉड को निकाल लेना है। तो यहाँ पर प्लास के सहायता से दोनों साइड में इसके नट लगे हुए हैं दोस्तों, तो नट को खोल लेना है। खोलने के बाद में रॉड को बाहर निकाल लेना है दोस्तों। तो हम पहले ये आप देख सकते हैं एक साइड से हमने खोल लिया है, दूसरी साइड से नट को खोल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरी साइड के नट को खोल लिया, कुछ इस तरीके से आपको रॉड को बाहर निकाल लेना है। तो हमने रॉड को बाहर निकाल लिया है, अब नया रॉड इसमें फिट करेंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार से हमें रॉड को फिट कर देना है दोस्तों, जैसा कि पुराना वाला लगा था दोस्तों। हम इसमें फटाफट फिट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको रॉड को लगा लेना है और इसके पेंच को लगा देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट इसके नट को टाइट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने एक साइड के नट को टाइट कर दिया है दोस्तों, अब दूसरी साइड के नट को टाइट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ फासला कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोनों रॉड हमारा आपस में टच ना हो दोस्तों। यहाँ पर कुछ दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दोनों रॉड को फासला पे कर देना है। अब इसके नट को लगा देंगे दोस्तों, अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने नट को टाइट कर दिया है, अब इसे चेक करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा रॉड अच्छी तरीके से फिट हो जाता है दोस्तों। अब इसे हम चेक करेंगे सीरीज से दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके वायर को ले लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बॉडी अर्थ को देख लेंगे दोस्तों। करंट तो नहीं उतर रहा है, तो इसमें करंट भी नहीं उतर रहा है दोस्तों। इस तरीके से हमारा रूम हीटर अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाता है दोस्तों। अब इसके हम जाली को लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने जाली को निकाला था उसी तरीके से लगा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम फिट कर लेते हैं जाली को, और इसके दोनों साइड में पेंच लगा देंगे दोस्तों। तो हम फटाफट इसे फिट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमने पेंच को, एक पेंच को हमने लगा दिया है, दूसरे पेंच को इसी तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद में इसे हम चेक करेंगे दोस्तों, रूम हीटर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने नट को टाइट कर दिया है, अब इसे लगाएंगे दोस्तों, इसमें लाइन देंगे दोस्तों। तो लाइन देने के लिए हमने दो वायर को लिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने दो वायर को लिया है दोस्तों, ऐसे 220 वोल्ट देने के लिए। तो इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ पर आप सावधानी से आप काम करिएगा दोस्तों, क्योंकि शॉक लग सकता है दोस्तों।
यहाँ पे इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। अब हम प्लग को लगाएंगे, मेन लाइन देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लाइन दे दिया, आप देख सकते हैं ये हमारा हीटर वर्क करने लगा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा रूम हीटर वर्क करने लगा है दोस्तों। तो इसी प्रकार से बिल्कुल आसानी से घर पर रूम हीटर का रॉड चेंज कर सकते हैं दोस्तों।